हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा है वो है प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो कैसे होता है और कौन कौन से स्पेशल पैरामीटर्स हैं, एग्जाम्स में क्या क्या पूछे जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, जो प्रोपगेट करता है हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम का, बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, जो हम चैनल की बात किए थे, जो मीडियम होता है स्पेस में जो वेव ट्रेवल करता है, क्योंकि आजकल सारा कम्युनिकेशन मैक्सिमम जो है क्या है, वायरलेस है। और उस वायरलेस कम्युनिकेशन में कुछ दिखाई नहीं देता है लेकिन है बहुत सारा चीज। वो क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, प्रोपगेशन हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, स्पेस में हो रहा है। तो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे कैसे। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, जिसके अंदर में एंटीना होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है एंटीना। ठीक है, एंटीना से एक दिमाग में सबसे पहले जो पिक्चर बनता है वो होता है जो पुराने जमाने के जो टेलीविजन के एंटीना हुआ करते थे, बड़े बड़े 2 मीटर 4 मीटर 5-5 मीटर के एंटीना हुआ करते थे, इस टाइप के एंटीना। ठीक है, लेकिन अगर एंटीना इतना ही जरूरी है तो मोबाइल्स वगैरह में भी ये होना चाहिए। तो जो सेलफोन्स हैं, जो लैपटॉप्स हैं, ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है या चैट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं सिस्टम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंटरफेयर हो रहा है। तो एंटीना कहाँ है, दिखाई कहाँ देता है। ठीक है, तो देखिए, इस टाइप के मोबाइल फोन्स को अगर आप ध्यान दीजिए तो इस टाइप के मोबाइल फोन कुछ दिन पहले आया करते थे, कुछ दिन मतलब यही 10 साल पहले ये मोबाइल फोन्स आया करते थे जिसमें एंटीना दिखाई देता था। ठीक है, ये एंटीना है, देखिए इसमें दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये धीरे धीरे क्या हो गया, ये एंटीना जो स्मार्टफोन अभी के डेट में जो आ गए हैं, इसमें एंटीना तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या इसका मतलब इसके अंदर में एंटीना नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं, इसके अंदर भी एंटीना है। इसके अंदर में ट्रांसमीटर और रिसीवर है तो उसके अंदर जरूर एंटीना है। और एंटीना है तो एंटीना का लेंथ जो है वो किस पे डिपेंड करता है, हम लोग देखें कि लैम्डा पे डिपेंड करता है। ज्यादा लैम्डा होगा तो लेंथ ज्यादा होगा, तो इसलिए हाई फ्रिक्वेंसीज पर ट्रांसमिशन होता है, जिससे कि लैम्डा बहुत छोटा हो जाए, एंटीना का साइज छोटा हो जाए, मोबाइल के अंदर में समाया जा सके। और भी बहुत सारे लेटेस्ट डिस्कवरीज है, रिसर्च है, R&D है, जिसके ऊपर में हमें नहीं यहाँ पर पढ़ना है। लेकिन हाँ, इतना तो समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर भी इस टाइप का एंटीना है कहीं ना कहीं, छोटा सा। ठीक है, बहुत छोटा छोटा एंटीना आज के डेट में डेवलप हो गया है वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज के लिए। तो इसको अगर आप खोलिएगा, इसके बैक कवर को देखिएगा, बैक में देखिएगा, तो इस टाइप के आपको सिस्टम मिलेंगे जिसमें एंटीना, नॉट ओनली एक एंटीना, कई कई सेलफोन्स में तो और भी ज्यादा, एक से ज्यादा 2-4-5 एंटीनाज होते हैं। और वो एंटीनाज क्या करते हैं, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे ब्लूटूथ के लिए एक एंटीना दे दिया, वाईफाई के लिए एक एंटीना दे दिया, 4G के लिए अलग एंटीना दे दिया, 5G के लिए अलग एंटीना दे दिया, एक ही मोबाइल में दिया जा सकता है, समझ रहे हैं। तो इसके अंदर में एंटीना है, एंटीना का लेंथ जो है ना मोबाइल के लेंथ से छोटा होना चाहिए, बस यही है, राइट। एंटीना करता क्या है, एंटीना के अंदर में करंट फ्लो होता है, फ्लक्चुएट होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है या रिसीव करता है, और रिसीव करके करंट फ्लो कराता है, दोनों चीजें, राइट। तो चीजें क्लियर हो गई है, फर्स्ट चीज। तो दूसरी बात क्या है कि एन एंटीना, देखिए एन एंटीना एट द ट्रांसमीटर रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या करता है, आप बात समझिए, जैसे वॉइस से हमने बोला तो क्या हो गया, ट्रांसड्यूजर ने उसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में बदल दिया, फिर इस इलेक्ट्रिक फॉर्म को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमीटर क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदलेगा, यही बोल रहा है यहाँ पर। एन एंटीना एट द ट्रांसमीटर रेडिएट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो जो करेंट्स है उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन बना रहा है, एंटीना के हेल्प से ट्रांसमीटर बना रहा है, विच ट्रेवल्स थ्रू स्पेस। फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस में ट्रेवल करता है, उसके लिए तो मीडियम की जरूरत है नहीं, एंड रीचेज द रिसीविंग एंटीना, जहां पर रिसीविंग एंटीना है वहां पर फिर वो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से करंट डेवलप होगा एंटीना के अंदर में, और वो करंट फिर वापस ट्रांसड्यूजर से होकर के साउंड में या किसी और चीज में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो लिख रहा है रीचेज द रिसीविंग एंटीना एट द अदर एंड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स थ्रू स्पेस वेरियस फैक्टर्स वीकेंस द सिग्नल। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है ना, कि स्पेस में ट्रेवल कर रहा है, तो स्पेस का मतलब क्या, आकाश से होते हुए, एयर से होते हुए, हवा है उसके अंदर में, उसके डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स के लेयर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज के लेयर्स हैं, तो ये सारे तो उसको इफेक्ट करते ही हैं, वही लिखा गया यहाँ पर। एज इट पासेस थ्रू एटमोस्फेयर वेरियस लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर इफेक्ट्स इन डिफरेंट वे ड्यू टू यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ लेयर्स। डिफरेंट डिफरेंट एटमोस्फेयरिक के जो लेयर्स हैं
जियोग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर्स, लिथोस्फेयर्स, ये सारे स्फेयर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। वो लेयर्स क्या हो रहे हैं कि इफेक्ट करते हैं इनको, राइट, क्लियर हो गया। ये एनसीईआरटी के बुक में आपको मिल जाएगा, ये बड़े अच्छे से लिखा गया है कि कौन सा लेयर किस वाले फ्रीक्वेंसी को किस तरह से इफेक्ट करता है, ये टेबल है। नेम ऑफ द लेयर, एप्रोक्सीमेट हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है, और ये कब इफेक्ट करता है, ड्यूरिंग डे और नाइट, और फ्रीक्वेंसीज विच आर मोस्ट इफेक्टेड। जैसे ट्रोपोस्फेयर्स की बात करें तो वो सबसे नीचे वाला लेयर होता है अर्थ का, 10 किलोमीटर के नीचे, और वो डे एंड नाइट दोनों में, और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी जो होते हैं उनको इफेक्ट करता है ये। फिर इसी तरह से ये है आयनोस्फेयर्स है, यहाँ से यहाँ तक आयनोस्फेयर्स है, जिसको क्या कर दिया गया, चार भाग में बांट दिया गया। आयनोस्फेयर्स में स्ट्रेटोस्फेयर, पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर उसमें आ जाता है, डीएनई स्ट्रेटोस्फेयर्स का पार्ट है जो कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है, 65 to 75 किलोमीटर या 100 किलोमीटर बोल रहे हैं, ठीक है। ये दोनों जो है स्ट्रेटोस्फेयर आयनोस्फेयर्स का मिक्सचर है। तो डे के टाइम में ये क्या करता है, किन किन फ्रीक्वेंसीज को इफेक्ट करता है, देखिए इसमें लिखा है, इट रिफ्लेक्ट्स लो फ्रीक्वेंसी, एब्जॉर्ब्स मीडियम फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी टू सम डिग्री। तो लो फ्रीक्वेंसी को ये रिफ्लेक्ट करता है, बाकी हाई फ्रीक्वेंसी मीडियम फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन सा लेयर, ये 65-75 जिसको डी लेयर बोला गया है, विच इज पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, राइट। फिर स्ट्रेटोस्फीयर का पर 100 किलोमीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर अर्थ से सरफेस से दूर जाएंगे तो हेल्प सरफेस वेव रिफ्लेक्ट्स हाई फ्रीक्वेंसी। अब ये सरफेस वेव क्या होता है अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। फिर है आयनोस्फेयर्स में ये लेयर्स होते हैं जो मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर से F1 F2 लेयर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 190 किलोमीटर है दिन में, ठीक है, और रात में, ये करता है दोनों टाइम में, पार्शली एब्जॉर्ब्स हाई फ्रीक्वेंसी वेव येट अलाउइंग देम टू रीच F2, ठीक है, तो F1 से F2 तक जा सकता है ये, वो भी देखेंगे अभी डायग्राम के थ्रू, बस टेबल को समझा रहे हैं। और फिर इसी तरह से थर्मोस्फेयर्स में ये डे एंड नाइट, ये एफिशिएंटली रिफ्लेक्ट्स हाई फ्रीक्वेंसी वेव पार्शली एट नाइट। तो ये टेबल क्या रटना है आपको, नहीं रटना नहीं, इस टेबल को समझने के लिए, ये चीज दिमाग में आपको रहे, इसके लिए आपको बताया जा रहा है कि दिमाग में रहे कि ये डिफरेंट डिफरेंट एटमोस्फेरिक लेयर्स जो है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज को अलग अलग तरीके से, किसी कभी डे में तो कभी नाइट में इफेक्ट करता है, किसी को एब्जॉर्ब करता है तो किसी फ्रिक्वेंसी को जाने देता है, ये हो रहा है, बस इतना ही इसका मकसद। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर हम लोग प्रोपगेशन को अगर डिवाइड करें तो दो प्राइमरली मेजर पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है ग्राउंड वेव और एक है स्काई वेव। तो ग्राउंड वेव, स्काई वेव में जैसे सरफेस वेव है और स्पेस वेव है, ठीक है, स्पेस वेव है, सरफेस वेव है। तो अगर नहीं करना है, बहुत सारे बुक में आपको तीन तरीके से देगा, एक देगा सरफेस वेव, एक स्पेस वेव और एक स्काई वेव। तो सरफेस वेव और स्पेस वेव और स्काई वेव है, डिफरेंस क्या है, स्काई वेव है जिसमें कि जो स्काई के जो लेयर्स हैं वो बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करते हैं स्काई वेव में, और स्पेस वेव और सरफेस वेव में स्काई का रोल बहुत कम होता है। तो स्काई वेव में जैसे आयनोस्फीयर्स की बात की है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर्स की बात की है, तो उसमें स्काई वेव में जो है बहुत ज़्यादा उसको इफेक्ट करता है, किस तरह से करता है। तो इसलिए स्काई वेव से आप समझ जाइएगा कि आसमान का, मतलब बादलों का, बादल तो नहीं कहेंगे, आयनोस्फीयर्स का बहुत ज्यादा रोल्स है इसमें, ठीक है। तो सरफेस वेव पर पहले डिस्कशन करते हैं, ग्राउंड वेव का पार्ट है। सरफेस वेव क्या होता है, टू रेडिएट दिस सिग्नल एट हाई फ्रीक्वेंसी द एंटीना शुड बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एटलीस्ट 1/4 ऑफ वेवलेंथ। ये हम लोगों ने देखा है कि λ/4 जो होता है ना एटलीस्ट होना चाहिए, राइट, तो होना चाहिए। तो एट लैम्डा दैट इज साइज ऑफ एंटीना बिकम्स टू लार्ज, ये रेडियो वेव की बात कर रहे हैं। अगर रेडियो वेव लेंगे तो लैम्डा जो होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, एंड एंटीना का साइज बहुत ज़्यादा होता है, दे आर लोकेटेड वेरी नियर टू ग्राउंड, क्योंकि एंटीना को ग्राउंड में बड़े बड़े टावर्स लगा दिए जाते हैं, 100 मीटर के, 200 मीटर के, 75 मीटर के टावर्स, वो क्या होते हैं, वो यही तो होते हैं रेडियो वेव को सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, एंटीना है वो। इन स्टैंडर्ड AM नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ब्रॉडकास्ट ग्राउंड बेस्ड वर्टिकल टावर्स आर यूज्ड एज ए ट्रांसमिटिंग एंटीना, समझे, क्लियर है, सिंपल सी। इस लाइन का मतलब यही है कि एंटीना का साइज लैम्डा के साइज के कंपेरेबल होता है, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड में ग्राउंड पे बड़े बड़े टावर्स एंटीना खड़ा कर दिए जाते हैं जो कि रेडियो वेव के सिग्नल को ये करेंगे। तो सरफेस वेव प्राइमरली रेडियो वेव्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है।
टू बेसिक रीजन इट कैन नॉट गो टू फार. सरफेस वेव रेडियो वेव्स बहुत दूर क्यों नहीं जा सकता, उसके रीजंस हैं बिकॉज ऑफ लॉसेस ड्यू टू ग्राउंड टच, क्योंकि ग्राउंड के पास से सरफेस वेव है, ग्राउंड के पास से होते हुए जाते हैं. देर इज हाई एटेन्युएशन. एटेन्युएशन मतलब क्या होता है, लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे हैं, लॉसेस को बोलते हैं, एनर्जी लॉसेस को एटेन्युएशन बोलते हैं. तो ग्राउंड से टकराते हुए जाएगा, उससे रिफ्लेक्ट या रिफ्रेक्ट या मतलब कि इस तरह से इंटरफेयर करते हुए जाएगा तो उसका लॉस होगा. तो इसलिए बोला गया है हाई एटेन्युएशन होता है, ठीक है. एंड एनर्जी स्कैटर्ड ड्यू टू डिफ्रैक्शन वेव फेनोमेनन. जैसे यहां पर देखिए, यह अर्थ है और ये टावर है. अब टावर से डायरेक्ट ऐसे जा रहा है, किसी मान लीजिए यहां से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है और यहां पर टेलीविजन या कुछ कुछ है, तो होने से क्या हो रहा है कि ये जो बीच में जो बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, जंगल्स हैं, पहाड़ हैं, वो क्या कर रहा है, वो वेव को डिफ्रैक्शन एटेन्युएशन लॉस करा दे रहा है, राइट. तो ये चीजें यहां पर होती है, क्लियर हो गया ये चीज. तब स्पेस वेव की बात करते हैं. स्पेस वेव ट्रेवल इन, सरफेस वेव क्लियर हो गया नहीं, स्पेस वेव ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना. स्पेस वेव्स आर यूज्ड फॉर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्या होता है लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि एक बंदा, जो भी एक टावर है बंदा या जो भी बोलिए, एक टावर दूसरे टावर में एक दूसरे को आई टू आई देख रहे हैं, तब बीच में कुछ नहीं होना चाहिए. कुछ है भी अगर तो वो मतलब कि वो उसको जाने दे. तब जैसे वॉल है, मान लेते हैं दीवार है पतला सा, तो वो उस वेव को जाने दे रहा है तो लाइन ऑफ साइट ही कहलाएगा. लेकिन अगर रोक दिया तो लाइन ऑफ साइट मतलब वेव जो है ना ऐसे होकर के नहीं जाएगा, राइट. ये नहीं कि वेव ऐसे पार करके चला गया, नहीं, वेव को एकदम लाइन ऑफ साइट में होना पड़ेगा, ठीक है. तो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन का मतलब दोनों एक दूसरे को स्ट्रेट लाइन में होना पड़ेगा, तब जाकर के वेव जाएगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया स्पेस वेव के लिए. इट इज ए लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन एज वेल एज सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है. तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी एक तरह का लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है. अभी देखते हैं कैसे. अच्छा, मान लीजिए ये इस डायग्राम को ध्यान से देखिए. मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है. इस पर एक टावर यहां पर लगा हुआ है. तो अगर एक टावर यहां पर लगा हुआ है तो ये टावर अगर ब्रॉडकास्ट करता है, मान लीजिए टेलीविजन या रेडियो ब्रॉडकास्ट करता है, तो यहां पर अगर कोई व्यक्ति है इस वाले जोन में यहां पर, तो क्या वो उस रेडियो टेलीविजन को, रेडियो सिग्नल्स को कैच कर पाएगा अपने रेडियो में, ठीक है. नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो LOS, अगर LOS कम्युनिकेशन है तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लाइन ऑफ साइट से बाहर हो गया ना. ये देखो, यहां से ये मैक्सिमम यहां तक टच कर रहा है, उसके बाद वो बाहर चला जा रहा है, इस पर नहीं आएगा. इस पर आने के लिए धरती से छेदते हुए जाना पड़ेगा, इसको पेनिट्रेट करते हुए, वो पॉसिबल नहीं है. तो फिर वो लाइन ऑफ साइट नहीं हुआ, ठीक है. तो इसका मैक्सिमम यहीं तक जा सकता है, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम रेंज फॉर ए टावर. एक टावर के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस यही है, DT जिसको बोला गया, ठीक है. इसी तरह से अगर दूसरा टावर भी लगा दिए तो दूसरा टावर का ये हो गया डिस्टेंस. अगर दोनों टावर को मिला करके बात करें, जैसे इस रेडियो को देना है तो ये टावर इसको सिग्नल दे देगा और ये इसको दे देगा, तो हो जाएगा. दोनों टावर को मिला करके बोलेंगे तो ये DM जो है टोटल डिस्टेंस, टोटल रेंज कहलाएगा. इसको बोलेंगे मैक्सिमम LOS रेंज, ठीक है. मैक्सिमम LOS रेंज, लाइन ऑफ साइट रेंज फॉर वन टावर के लिए कितना हो जाएगा, इसके बराबर, ठीक है. और दो टावर लगा देंगे, अब दोनों टावर की हाइट अलग अलग हो सकती है, इसलिए एक का HT ट्रांसमिशन और HR रिसीवर लिखा गया है, राइट. और उसका ये फॉर्मूला है कहां से आया है वो देखते हैं हम लोग. ATC होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल और LOS मतलब लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन. अभी हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं कैसे होता है. सपोज कीजिए कि हम इसमें प्रूफ करना चाहते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए स्पेस वेव के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, राइट. कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए मान लीजिए ये HR जो है हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना टावर है और ये हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग HT. अब इसको अगर आप ध्यान से देखिए, इसको ऐसे ये एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. ये अर्थ है गोल वाला जो दिखा रहे हैं, ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी डैश है, ये अलग अलग हाइट एंटीना का, ये रेडियस ऑफ अर्थ आर है, ये भी आर हो गया. अब इसमें सिंपल सी बात है कि पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए तो आपको आ जाएगा D² = HT + R² - R², बहुत आसान है. D² = HT + R² - R², बस सिंप्लीफाई कर दीजिए तो HT² + R² + 2HTR - R², तो R² कैंसिल हो गया. और दूसरा चीज क्या है, ये कैंसिल हो गया. और दूसरा चीज क्या है, इसमें
कि एच टी जो है हाइट ऑफ टावर है दिस इज मच मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, एच टी स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, एच टी स्क्वायर नियरली इक्वल टू जीरो, ठीक है, एच टी स्क्वायर क्योंकि बहुत स्मॉल क्वांटिटी है तो निगलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ प्लस होगा सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा आपका, सो डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू एच टी टाइम्स आर, ये आ गया, ये कौन सा डिस्टेंस आ गया, ये आपका ये वाला डिस्टेंस आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो इसी तरह से ये अगर डी डैश है तो डी डैश कितना हो जाएगा, डी डैश इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू एच रिसीविंग एंटीना का हाइट इंटू रेडियस, नहीं तो अगर दोनों डिस्टेंस की बात करें जो मैक्सिमम डिस्टेंस बोल रहा हूँ डी एम मैक्सिमम रेंज, तो वो हो जाएगा डी प्लस डी डैश विच इज डी एम एंड डी एम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्लियर हो गया, टू एच टी आर प्लस टू एच रिसीविंग एंटीना इंटू आर, राइट। तो यही चीज जो है आपको समझाया गया है इस वाले में, ये फॉर्मूला अब आपको समझ में आ गया कैसे आया क्या आया है, ठीक है राइट। ठीक है तो इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम करते हैं, क्या बोलता है, टू डबल द कवरिंग रेंज ऑफ ए टीवी ऑफ टीवी ट्रांसमिशन टावर इट्स हाइट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, कितना से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो क्या करना है इसको, रेंज को डबल करना है, हमें पता है कि जो डी डिस्टेंस जो होता है एक सिंगल टावर के लिए ब्रॉडकास्टिंग की बात कर रहा है तो वो अंडर रूट टू एच ट्रांसमिशन का हाइट इंटू रेडियस, ये होता है, अब रेडियस अब चेंज तो हो नहीं रहा है, हाइट ऑफ ये कह रहा है कि अगर हमें मान लेते हैं डी टू बाई डी वन करना है, डी टू को डबल कर देना है डी वन का, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ हम लोग लिख सकते हैं एच टी टू बाई एच टी वन, बस इतना ही तो है, स्क्वायर कर दीजिए, ये टू का स्क्वायर हो जाएगा, डबल कर दिए तो ये कितना हो जाएगा आपका एच टी टू बाई एच टी वन, तो सिंपली हो गया एच टी टू इक्वल टू जो दूसरा हाइट जो हो जाएगा फोर टाइम्स एच टी वन, राइट, ये हो गया, तो चार गुना होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ए टीवी ट्रांसमिशन टावर हैज ए हाइट ऑफ 140 मीटर एंड द हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना इज 40 मीटर, अब इसमें क्या है, ट्रांसमिशन टावर और रिसीवर दोनों का दे दिया हाइट, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच सिग्नल कैन बी ब्रॉडकास्टेड फ्रॉम दिस टावर इन LOS मोड, ठीक है, इसमें दोनों चीज आ गया, तो इसके लिए फॉर्मूला लगा लीजिए, मैक्सिमम DM पूछा है इसमें, ये सब एग्जाम में पूछा गया सवाल है, देख रहे हैं, तो ये DM पूछा है मैक्सिमम, तो दिस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू एच आर टी सॉरी टू एच आर आर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू एच टी आर, ये हो जाएगा हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना, ये फॉर्मूला केवल पुट कर देना है इसमें, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ टू, अब क्या है थोड़ा सा कैलकुलेशन वक्त थोड़ा सा सावधान रहना है, तो हाइट ऑफ कितना है 140 रिसीवर का, नहीं ट्रांसमीटर का 140 है, ट्रांसमीटर का 140 है और रिसीवर का कितना है 40, तो 240 इंटू जो रेडियस दिया हुआ है अर्थ का 6.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 मीटर में, प्लस इसी तरह से इसका कर लेंगे राइट, 2 इंटू 140 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6, अब थोड़ा कैलकुलेशन देखते हैं क्या करते हैं, 10 टू द पावर ऑफ 6 6.4 है ना, तो इसको ऐसा करते हैं 64 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 लिखते हैं राइट, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 64 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 हो जाएगा, ठीक है, एक यहाँ वाला जीरो जो है वो इसमें डाल दिए, या ऐसे कीजिए ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए एक जीरो यहाँ पर, तो 64 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 हो गया, ये सब थोड़ा करना पड़ेगा आपको मैथमेटिक्स में, यहाँ पर 2 इंटू 140 इंटू सॉरी 64 है, तो 64 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6, अब क्या करना है देखिए, इसको बाहर ले लेते हैं, इस चार को भी बाहर ले लेते हैं, ठीक है, इसमें से भी एक आएगा बाहर, तो कॉमन लीजिएगा अगर, तो 2 इंटू 64 का 8 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 हो जाएगा, अंदर में बच गया केवल रूट 2 प्लस यहाँ पे बच जाएगा 4 2 यहाँ से ले 7 रूट 7 राइट, और ये लगभग आ गया 16,000 और ये 1.4 प्लस ये रूट 7 1.6 के आसपास होता है, तो ये करीब करीब 64 किलोमीटर के आसपास आ रहा है, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तो इस तरह से ऐसे न्यूमेरिकल जो कि जेई मेन्स 2019 में पूछा गया है, क्या है स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है इस टॉपिक, इस लेक्चर का सबसे अच्छा चीज क्या है, इस टॉपिक का सबसे ब्यूटीफुल चीज यही है कि स्ट्रेट अवे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा। अब रिपीटर्स क्या होता है,
ये देखिए रिपीटर्स स्पेस वेव में जो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होता है तो उसमें रिपीटर्स का कई बार यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? मान लीजिए एक टावर यहाँ पर है, एक टावर यहाँ पे, इनको आपस में कम्युनिकेट करना है, एक मैसेज को इस टावर से इस टावर में पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाएगा? नहीं पहुंच सकता है क्योंकि बीच में अर्थ का ये आ जा रहा है पार्ट, होराइजन जो है उसका कुछ ऐसे है, ऐसे देखिए बीच में आ जा रहा है, तो नहीं होगा। तो इसके लिए बीच में रिपीटर यूज किया जाता है। तो ये पहले मैसेज इस वाले में जाएगा, उसके बाद मैसेज इस टावर को जाएगा, इसी तरह से यहाँ से पहले यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा, तो इसको हम लोग रिपीटर बोलेंगे। ये जो है ना, ये रिपीटर है, क्लियर? रिपीटर टावर है। तो रिपीटर क्या होता है? वो ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी है, राइट? क्लियर? तो रिपीटर इज ए रिसीवर एंड ट्रांसमीटर बोथ, एंड पावर रेडिएटेड बाय एंटीना डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। कैसा होता है? पावर इज लाइक दिस, ध्यान दीजिए इसको, पावर पी प्रोपोर्शनल टू एल बाई लैमडा का होल स्क्वायर। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी कई बार पूछे गए हैं जो कि बिल्कुल सिंपल होते हैं। जस्ट लाइक प्रोपोर्शनल टू एल बाई लैमडा स्क्वायर अगर याद रहा तो आप बना सकते हैं। ठीक है, पावर एनर्जी रेडिएटेड बाई एंटीना डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एंड वेवलेंथ, राइट? अच्छा, एक और एग्जाम्पल करते हैं जो कि जस्ट अभी पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड है। फिजिकल साइज ऑफ ए ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंटीना इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम इज, तो हमें पता है कि इसमें क्या पता है कि जो लेंथ तो होता है वो प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, नहीं? तो लैम्डा का प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? याद कीजिए, लैम्डा बाई 4 होता है ना मिनिमम साइज ऑफ एंटीना, तो लैम्डा का प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैरियर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाएगा। अभी पढ़ेंगे जब एंड ऑफ दी क्या होता है कैरियर फ्रीक्वेंसी, तब समझ आएगा। स्पेस वेव प्रॉपर्टीज की बात करें तो फ्रीक्वेंसीज अबव 40 मेगाहर्ट्ज इज एसेंशियली लिमिटेड टू एलओएस पाथ, मतलब कि लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होगा तभी 40 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा का अगर कम्युनिकेशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन हुआ नहीं हुआ तो उसका क्यों, क्या है रीजन, ये देखिए आगे। एट दीज फ्रीक्वेंसीज लेंथ ऑफ एंटीनाज आर रिलेटिवली स्मॉलर, पहली बात तो ये है कि अदरवाइज लेंथ ऑफ एंटीना बहुत ज्यादा हो जाता है। बिकॉज ऑफ एलओएस नेचर ऑफ प्रोपगेशन डायरेक्ट वेव्स गेट ब्लॉक बाय सो मेनी पॉइंट्स बाय द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, ऐसे नहीं बनाए थे ऐसे, तो एलओएस कम्युनिकेशन होता है ये एलओएस कम्युनिकेशन, तो एलओएस कम्युनिकेशन की वजह से क्या है, अगर यहाँ पर हाइट, यहाँ टावर का हाइट, यहाँ पे टावर अगर है दूसरा, या कोई आदमी जिसके पास मोबाइल है यहाँ पर डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहता है, तो बीच में ये अर्थ का होराइजन आ जा रहा है, ये अर्थ इंटरसेप्ट कर रहा है यहाँ पर, अर्थ पार्ट हो जा रहा है, तो वो जा नहीं पाएगा, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, यही चीज यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, फिर क्या बात कर रहे हैं हम लोग, इफ द सिग्नल इज टू बी रिसीव्ड बियॉन्ड द होराइजन द रिसीविंग एंटीना मस्ट बी हाई इनफ टू इंटरसेप्ट द एलओएस, तो एंटीना का हाइट बढ़ाइए। इफ द फ्रीक्वेंसी रेंज इज फ्रॉम फ्यू मेगाहर्ट्ज टू अप टू 30 to 40 मेगाहर्ट्ज लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कैन बी अचीव्ड बाई आयनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स बैक टूवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, इट इज यूज्ड बाय शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट सर्विसेज, प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स इन द आयंस में होता है, 60, ये आयनोस्फीयर रेंज है जिसमें कि आयंस, आयनोस्फीयर इसलिए ही बोलते हैं ना कि उसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब इसको समझिए, स्काई वेव में हम लोग बात कर रहे हैं, स्काई वेव क्यों बोल रहे हैं बताएं ना, क्योंकि स्काई का इसमें रोल है, आयनोस्फीयर का इसमें रोल है। क्या करता है आयनोस्फीयर, देखिए ये आयनोस्फीयर है, ये जो लेयर है ना यहाँ से, इसको दो लेयर में दिखा दिया गया है, लोअर आयनोस्फीयर है, ये अपर आयनोस्फीयर। क्या करता है आयनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन, तो आयनोस्फेयर्स क्या करता है ध्यान से समझिए, एक टावर है, अब ये टावर मतलब एंटीना हो गया, अब ये मैसेज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देता है, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हो सकते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर 40 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा का फ्रीक्वेंसी हुआ तो वो किसी भी हालत में यहां से रिफ्लेक्ट नहीं होता है और वो चला जाता है बाहर, एस्केप कर जाता है। 40 मेगाहर्ट्ज से कम वाले फ्रीक्वेंसीज अगर आते हैं तो वो दोनों लेयर से, एक अपर लेयर से रिफ्लेक्ट हो सकता है, ये जस्ट लाइट का रिफ्लेक्शन की तरह हो रहा है, या लोअर लेयर से मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो करके रिसीवर तक पहुंच सकता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, दो चीज दिखा गया है, क्या है, एक सेकेंड लेयर से मतलब जिसको एफ लेयर बोला गया है, और ये ई लेयर बोला गया है, नीचे वाले लेयर से मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, यहां भी रिसीवर हो सकता है या यहां भी रिसीवर हो सकता है, तो उसको मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद पहुंच जाएगा मैसेज, लेकिन अपर वाले लेयर से अगर आएगा तो फिर यहां पर पहुंच रहा है, मतलब ये तरीका है, इस तरह से हो रहा है। लेकिन अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, ना इससे होगा ना इससे होगा, ये सीधे एस्केप कर जाएगा, तो फिर मैसेज तो आएगा नहीं। तो अगर मान लीजिए हाई फ्रीक्वेंसी से हमें इस मैसेज को यहां से यहां लाना है, तो कैसे करिएगा,
हाई फ्रीक्वेंसी को LOS कम्युनिकेशन कराना होगा, तो यहाँ पर एक सैटेलाइट रख दीजिए और वो फिर क्या करेगा, इसको लेगा और फिर सैटेलाइट क्या करेगा, इसको ट्रांसमिट कर देगा रिसीवर के पास, ये हो सकता है। ठीक है, तो मतलब इस डायग्राम को समझ में आ गया क्या है, ये आयनोस्फेरिक लेयर्स के बारे में बता रहा है कि आयनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन करके क्या करता है, स्काई वेव को मदद करता है। तो वो स्काई वेव नहीं होगा, अगर ये यहां पर अगर हम सैटेलाइट बोल दिए तो उसको सैटेलाइट कम्युनिकेशन कहेंगे, वो स्पेस वेव कहलाएगा। स्काई वेव केवल उसी को बोलेंगे जो स्काई से रिफ्लेक्ट होकर के रिसीवर तक पहुंचता है। क्लियर हो गया। जैसे इसको देखिए, इसमें तीनों चीज बताया गया है कि वेरियस प्रोपगेशन मोड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्काई वेव है इसमें, ग्राउंड वेव है, सब कुछ कैसे कैसे क्या है। देखिए अब ये LOS कम्युनिकेशन है, ये LOS कम्युनिकेशन है, हवाई जहाज से क्या कर रहा है ये ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स जो होते हैं वो हवाई जहाज से डायरेक्ट बात करते हैं। कैसे करते हैं, लाइन ऑफ साइट, वन टू वन बात करते हैं, क्योंकि उसमें कोई बाधा नहीं आती है। ठीक है, ये LOS कम्युनिकेशन हो गया। फिर ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन भी LOS कम्युनिकेशन हो गया, ये बीच में अगर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए तो ये हो गया। ठीक है, अब ये जो जा रहा है यहां से, ये रिफ्लेक्ट होकर के जो आयनोस्फेयर से आ रहा है, ये आपका है स्काई वेव, ये स्काई वेव है, स्काई वेव है, क्योंकि ये स्काई से रिफ्लेक्ट होकर आई, ये आयनोस्फेयर आयनोस्फेरिक लेयर से रिफ्लेक्ट हुआ है। लेकिन ये जो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है ये क्या है, ये मान लेते हैं हाई फ्रिक्वेंसी वेव होगा, न्यू मोर देन 40 मेगाहर्ट्ज, 30 to 40 मेगाहर्ट्ज कहा जाता है। ठीक है, ये रेंज होता है लगभग, तो अगर 30 to 40 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा है तो ये बाहर चला गया, बाहर चला गया। लेकिन ये सैटेलाइट की होने की वजह से, सैटेलाइट होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये वापस किस तरह से रिफ्लेक्ट होकर के रिसीवर तक आ सकता है। रिफ्लेक्ट नहीं कहेंगे, मतलब कि सैटेलाइट क्या करता है, उसको एज ए रिपीटर काम कर रहा है, सिग्नल को लिया और फिर वापस सिग्नल को सेंडर रिसीवर के पास भेज दिया। क्लियर हो गया। ये इसमें सारी चीजें क्या है, तीन टाइप के हैं। ये जो है स्पेस वेव है, कौन सा स्पेस वेव है इसमें बोला जाए तो ये इस पर आपका स्पेस वेव प्रोपोगेशन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है, और ये भी स्पेस वेव है जो ग्राउंड में हो रहा है, और स्काई वेव केवल ये है आपका, ये वाला। ठीक है, जो स्काई से रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है। क्लियर हो गया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। ठीक, नाउ स्काई वेव क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव्स हैव वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या होता है FM वेव, ये नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर होगा। ओनली मोड ऑफ प्रोपोगेशन इज LOS, क्योंकि जब हाई फ्रीक्वेंसी वेव का जो ये है वो स्काई से रिफ्लेक्ट नहीं होता है, इसका मतलब केवल LOS कम्युनिकेशन या सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो सकता है, बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 40 मेगाहर्ट्ज नॉट रिफ्लेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर। क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो करने वाले हैं वो हमारा ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर होगा, और उसमें हम लोग मॉड्यूलेशन की बात करेंगे कि जब मैसेज को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरे जगह देते हैं, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोबाइल के अंदर में या एंटीना के अंदर में जो जनरेट हो रहा है, क्या उसको एज इट इज भेज दिया जाए, या एज इट इज भेजने से कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर होगा, जिसमें हम लोग मॉड्यूलेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।